बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 47 न्यूज और मैं हूँ हिना नासिर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एसपी केन शहबाज इलाही की हिदायत पर थाना मनावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई में मारूफ ब्रांड्स के जाली मशरूब बनाने वाले कारखानों पर छापा। पुलिस ने हजारों की तादाद में जाली मशरूब की बोतलें और मशीनें कब्जे में ले ली। पुलिस ने मौके से 3 मुलजिमान अरशद, जहीर और मजहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से खुफिया इतला पर रेड की गयी थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी से अहले इलाका ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। एसपी मॉडल टाउन मोहम्मद अली वसीम की हदायत पर इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला जारी। फैसल टाउन पुलिस ने चोरी के मुकदमे में मफरूर 2 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद और रियाज 3 साल से पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। मुलजिमान को मजीद तहकीकत के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इकबाल चौधरी का इश्तिहारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। थाना मिलत पार्क पुलिस की कार्रवाई में बोगस चेक के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दरख्वास्त गुजार जमील से कारोबार करने के लिए 4,50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मुलजिम 3 साल से पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को मजीद तहकीकत के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल चौन का कहना था की इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए तमाम तर वसायल प्रूवे कार लाए जाएंगे। इकबाल चौन डिवीजन पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। पतंगबाजों को पकड़ने के लिए टीमें मुतहरिक कर दी गयी। समनाबाद पुलिस की खुफिया इतला पर रेड की गयी। पतंगे और केमिकल डोर बेचने वालों के कारखानों पर छापा मारा गया। समनाबाद पुलिस ने 2 पतंग फरोश फहद और उसामा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से सैकड़ों पतंगे, केमिकल डोर और दर्जनों चरखियाँ बरामद की गयी। SDPO समनाबाद और SHO समनाबाद ने खुफिया इतला पर रेड करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान फैसलाबाद से पतंगे लाकर लाहौर सेल करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। SHO का कहना था कि पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखेंगे। नवाहकोट पुलिस की कार्रवाई में आतिशबाजी का सामान बेचने वाली दुकानों पर छापा मारा गया। नवाहकोट पुलिस ने मुलजिम असद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इकबाल चौन पुलिस का जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। शेराकोट पुलिस की कार्रवाई में मुलजिम असलम से 2 किलो से जायद भंग बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। SHO ने कहा कि जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। सदर डिवीजन में मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। जोहरटाउन पुलिस की कार्रवाई में बदनाम जमाना मंशियात फरोश अरशद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। SHO का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फोर्टी न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहें 47 न्यूज। इसके अलावा हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर।